तो मिस्टर मनी इन द बैंक यानी कि ऑस्टिन थ्योरी ने आज एक बार फिर से पॉल हेमन और इस बार ब्रॉक लेसनर के सामने बोल दिया है कि वो उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट SummerSlam 2022 में कैश इन करने वाले हैं। और इसके अलावा आज मंडे नाइट रॉ में क्या क्या हुआ इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज मंडे नाइट रॉ को स्टार्ट किया द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर ने और ब्रॉक ने आकर ये बोला कि जब से रोमन रेसलमेनिया 38 में जीते हैं उनकी लाइफस्टाइल एक किंग जैसी हो गई है, लेकिन SummerSlam में ब्रॉक लेसनर पूरी तरह से रोमन को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। और ब्रॉक लेसनर ने बताया कि कैसे वो SummerSlam 2022 में रोमन को हराकर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीत लेंगे। लेकिन फिर रोमन के वाइज मैन पॉल हेमन ने आकर इंटरप्ट किया ब्रॉक लेसनर को और पॉल हेमन ने ये बोला कि रोमन ने उनकी लेगेसी एथलेटिक तरीके से उनके अपोनेंट्स का पिनफॉल या फिर टैप आउट करवाकर बनाई है, लेकिन पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर के साथ भी रह चुके हैं और ब्रॉक लेसनर ने उनकी लेगेसी बनाई है उनके अपोनेंट्स को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद, और बहुत से अपोनेंट्स का ब्रॉक ने नेक भी तोड़ा है। और इसलिए SummerSlam 2022 में अगर कोई समझदार आदमी होगा तो वो ब्रॉक पे बेट करेगा कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में ब्रॉक जीतेंगे। लेकिन फिर पॉल हेमन ने ये बोला कि ब्रॉक जो रिवेंज लेना चाहते हैं रोमन रेंस से वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि पॉल हेमन ट्रेन करने वाले हैं रोमन रेंस को और इस ट्रेनिंग के बाद रोमन SummerSlam 2022 में ब्रॉक का हार्ट भी निकाल लेंगे उनके सीने से और फिर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच खत्म होने के बाद रिंग अनाउंसर अनाउंस करेंगे कि अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ही है। और इसके जवाब में ब्रॉक लेसनर कुछ कहते इससे पहले मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी आ गए और थ्योरी ने पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर को बोल दिया कि जिस तरह से रोमन और ब्रॉक बातें कर रहे हैं उससे ये क्लियर हो गया है कि SummerSlam में ये दोनों एक दूसरे को बुरी तरह से पीटने वाले हैं और इसलिए इन दोनों का मैच खत्म होने के बाद ऑस्टिन थ्योरी उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करेंगे। और फिर थ्योरी ने पॉल हेमन से बोला कि ब्रॉक सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनके अपोनेंट की जान जाए या फिर उन्हें सीरियस इंजरी हो जाए। और इसको प्रूफ करने के लिए थ्योरी ने एलिमिनेशन चेंबर 2022 की फुटेज दिखाई जिसमें थ्योरी को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे ब्रॉक लेसनर और थ्योरी ने ये बोला कि ये पॉल हेमन के ट्राइबल चीफ रोमन रेंस भी हो सकते हैं। और जब ब्रॉक ने ऑस्टिन थ्योरी को मौका दिया कि वो उनके साथ फिर से रिंग में आए तो थ्योरी ने मना कर दिया और चैड गेबल और ओटिस ब्रॉक पे अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन ब्रॉक ने बहुत बुरी तरह पीटा पहले चैड गेबल को और उसके बाद उन्होंने ओटिस को F5 देकर कमेंट्री टेबल भी तोड़ दिया। लेकिन जिस तरह से थ्योरी बार बार ये बोल रहे हैं उसे ऐसा लग रहा है कि SummerSlam 2022 में थ्योरी उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने वाले हैं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या थ्योरी का मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, कमेंट करके सबसे शेयर करें। तो आज ही की मंडे नाइट रॉ में फिन बैलर ने सिंगल्स मैच में रे मिस्टीरियो को हरा दिया और बियांका ब्लेयर और कार्मेला का रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा था, लेकिन इस मैच में बियांका काउंट आउट की वजह से हार गईं और एजी स्टाइल्स और एजीकेल की टीम ने द मिज और टोमासो चैंपा की टीम को डिस्क्वालिफिकेशन से हरा दिया है। और इसके अलावा एलेक्सा ब्लिस और आस्का की टीम ने डू ड्रॉप और निकी एश की टीम को टैग टीम मैच में हराया है और उसोस और ओमास की टीम जीत गई है द स्ट्रीट प्रॉफिट और आर्ट्रूथ की टीम से और बॉबी लैशली और रिडल की टीम ने सेथ रॉलिंग्स और मिस्टर मनी इन द बैंक ऑस्टिन थ्योरी की टीम को टैग टीम मैच में हरा दिया है। यानी कि आज के मंडे नाइट रॉ में बहुत ही सारे टैग टीम मैचेस फैंस को देखने मिले और फाइनल मैच के बाद थ्योरी को सुपर किक भी मार दिया रिटर्न आए डॉल्फ ज़िगलर ने। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ, लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।